हेलो गाइस, आई एम कृपाल एंड मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट है वो आप कैसे देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आईसीआर एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है वो उसमें जाना है। वहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐसा मेनू जैसे ओपन होगा। मेरे केस में क्या था कि मैंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला था पीएचडी के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि सेकंड राउंड में नॉट कंसीडर्ड। अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में जा कर के प्रोसीजर करनी थी, और जो नहीं की है तो उसके हिसाब से सेकंड राउंड में मैंने पार्ट नहीं लिया। अगर आपने सेकंड राउंड में पार्ट लिया तो आपको, अगर एडमिशन मिला है तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम और नेम और कोर्स नेम और सब यहाँ पर पीजी के लिए आ जाएगा। तो उसके लिए आपको उसके बाद रिपोर्टिंग करना है वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मैंने ऑटो अपग्रेडेशन नहीं किया था इसलिए मेरा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं था। तो सेकंड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुई है उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करवाना है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तो रिपोर्टिंग करने के बाद जो सीट खाली रहती है, जो सीट फिलअप नहीं होते, तो शायद थर्ड राउंड उसमें हो सकता है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल लिखा हुआ है कि ऑटो अपग्रेडेशन तो फर्स्ट राउंड तक ही सीमित था, लेकिन काउंसलिंग जो है, जो सीट वैकेंट रहती है उसको भी फिलअप करना है। तो थर्ड राउंड में भी पॉसिबिलिटीज़ तो है। तो जो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है उसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है कि पूरी सीट्स जो है वो फिलअप हो जाएगी, लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग है, कभी कभार जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, नहीं पहुँच पाते, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद में जितनी सीट वैकेंट रहती है मे बी ICR है वो थर्ड राउंड कंडक्ट कर सकता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया सपोज सेकंड राउंड में, तो फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी तक क्वेश्चन है, वो बाद में पता चलेगा। अगर आप फेलोशिप के बेसिस पे ही ले रहे हो और फेलोशिप मिल रही है या नहीं मिल रही ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट अलॉट ऑफ स्कॉलरशिप और फेलोशिप फ्रॉम द ICR। वो कब पता चलेगा, जब आप एडमिशन का रिपोर्टिंग करवा दोगे उसके थोड़े दिन के बाद में वो पता चलेगा कि एडमिशन के बाद फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी। तो सबसे पहले तो उसके बाद में जैसे लॉगिन कर लेते हो तो आपका जो रैंक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कोर्स क्या है और रिमार्क, ये इतनी चीज़ें लिख के आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे यूनिवर्सिटी में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना है, जो कोर्स फी है उसको पे करना है, और जो यूनिवर्सिटी का लेटर है जो दिया हुआ है अलॉटेड यूनिवर्सिटी को, वो सबमिट, वो सारी चीज़ें करना है। जो डॉक्यूमेंट्स में 12th मार्कशीट है, 10th मार्कशीट है, जैसे कि ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी है। कौन कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में ले जानी है वो प्रोस्पेक्ट में अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। जैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो आप PG के लिए जो भी चीज़ें आपको ले जानी है तो वो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और भी कई चीज़ें, कई इंफॉर्मेशन है दी हुई है इसमें, AIEE है PG 2018। तो आपको कहाँ पर जाना है, सबसे पहले ICREXAM.NET की वेबसाइट पे, वहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो ये है, और अंडर ग्रेजुएशन में लेना है तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और जो JRF SRF है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन में JRF मिलता है, और उसके बाद है वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो PhD में मिलता है। और एक चीज़ और है कि जितनी सीट दी गई है उसमें से जितनी सीट आपको अगर एडमिशन मिलता है, ठीक है, सपोज़ PhD के लिए
बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट दी गई है, और जब आप काउंसलिंग करते हैं उसमें 5 सीट्स है, तो उसका मीनिंग यह है कि फर्स्ट 3% को फेलोशिप मिलेगा, और उसके बाद के जो एडमिशन से अगर आप सेम स्टेट में नहीं हो, आउट अपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल में नहीं रहते हो और बाहर एडमिशन लेते हो, तो आपको NTA मिलेगा, डेट इज स्कॉलरशिप है। सपोज पहले 3000 पर मंथ था, अभी बढ़ के चेंज हो चुका है, तो ये सोच समझ कर ही आप एडमिशन लेना, क्योंकि जो अगर आप फेलोशिप के बेसिस पे ही ले रहे हो तो उसका पता, तो आप एडमिशन लेने के बाद थोड़े दिन बाद पता चलेगा। और सेकंड चीज़ है कि 2000 रुपीज़ जो सबमिट किए थे, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है किसी में भी, फर्स्ट सेकंड राउंड में भी, तो वो आपको रिटर्न बैक यानी कि आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो कोई जो फर्स्ट जिसने 2000 पे करके जो एडमिशन के जो राउंड्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो रिटर्न आ जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन है कि दोस कैंडिडेट वो स्कोर्ड 0 और -9 मार्क्स इन द ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड ऑन 18 and 19 August 2018 और 16 September 2018 इन केरला, ओनली इन केरला, आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। उसके बाद एक नोटिफिकेशन और है कि दोस कैंडिडेट्स वो डिड नॉट फिल देयर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स टिल द डेजिग्नेटेड डेट और वूज स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम इज स्टिल अपीयरिंग। तो जो फॉर्म था, एप्लीकेशन था, उसमें अगर अपीयरिंग आपने लिखा है और अपडेट नहीं किया है, तो आप अगले राउंड और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो और एक इश्यू में भी हो सकता है कि जो आपने पहले राउंड में भी नहीं आया हो, सेकंड राउंड में भी नहीं आया हो, तो मे भी ये इश्यू हो सकता है कि आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टिल अपीयरिंग लिखा है और आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप फिल्टर हो जाते हो। मान लो कि जिसने भी अपीयरिंग लिखा और उसके बाद क्वालिफाइंग नहीं किया है और स्टेट क्वालिफाइंग एग्जाम कर लिए लेकिन स्टेटस अभी तक चेंज नहीं किया है एप्लीकेशन में, तो वो आप कौन काउंसलिंग में आगे पार्ट नहीं ले सकते। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ICR एग्ज़ाम के बारे में। अगर मुझे कोई नया अपडेट आता है तो मैं श्योरली आपको आपके तक पहुंचा दूंगा वीडियो के ज़रिए। अगर आपको कमेंट कोई भी चीज़ का क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मेरी YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आंसर, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा क्वेश्चंस का। और अगर आप वीडियो चाहते हो कि मैं एक FAQs के बारे में वीडियो बनाऊँ कि ओनली क्वेश्चन के बेसिस पे ही बनाऊँ कि कितने कितने क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो कि वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ क्वेश्चन से, उस पे ऊपर आपकी कमेंट में रीड करके वीडियो बना सकता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कोई FAQs है तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए ICR के वेबसाइट में, वहाँ पर जाके आप सब रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क दिया हुआ है, अगर आपको क्वेरी हो और ICR में कॉन्टेक्ट करना तो email ID और सेकेंड चीज़ कॉन्टेक्ट नंबर शायद वो भी दिया हुआ है यहाँ से। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ हेल्प डेस्क के, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ICR ने 7375808031 दैट इज हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम ICR दैट इज ऑल 7375808032 दैट इज ऑल्सो हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम ICR। If you have unable to find the satisfactory solutions, so you can get the idea after calling that. आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे और पूछ सकते हो। अगर कोई इसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो, ICR का जो ईमेल है वहाँ पर भी आप ईमेल कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा कि नहीं, फेलोशिप मिलेगी कि नहीं।
तो उसके बेसिस पे पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो लाइक करते हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा ताकि सबको ये पता चल सके। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बार बार मैं अपडेट देता रहूँगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।